किचन, गर्मियों का मौसम है और सब इस मौसम में कुछ ठंडा पीना पसंद करते हैं, तो आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ml फुल क्रीम मिल्क। इसको मैंने पका करके फ्रिज में ठंडा कर लिया है। चीनी हम लेंगे 2 बड़े चम्मच, या फिर आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर 1 छोटा चम्मच, और चॉकलेट सिरप मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, ये ऑप्शनल है। थोड़े से आइस क्यूब ले लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ये ठंडा दूध डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे और कॉफ़ी पाउडर को भी डाल देंगे, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे और इसे एक बार और ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें आइस क्यूब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे एक बार और ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक ग्लास में सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट कर देंगे, देखिए इस तरह से, ताकि इसमें एक अच्छी सी लेयर बन जाए। इससे हमारी कॉफ़ी देखने में बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको सर्व करेंगे, और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम ग्लास में 2 आइस क्यूब डाल देंगे और कोल्ड कॉफ़ी को भी डाल देंगे, और इसको मैं थोड़े से चॉकलेट पाउडर से गार्निश कर रही हूँ। हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।